Good morning, students of class 4th. In this video, I am going to teach you SST chapter 6, soil, mitti. First, you have to study and write word meaning of this lesson. Word meaning: millions, thousand, thousands. Organism, creature. Varied, different. varied, varied. Fine, clear, thin. Silt, a sediment deposited by running water. Retain, retain, retain. Retain means होता है to keep in possession, कोई चीज अपने अधिकार में रखना, control में रखना. Moisture, या moisture, moisture. Slight wetness, मतलब हल्का गीलापन. Ancient, ancient means belonging to past time. Lava, मीनिंग होगा the molted matter flowing from a volcano. VOLCANO, volcano. नेक्स्ट है मिलेट्स, मीनिंग होगा एन इंडियन प्लांट, हिंदी में बोलेंगे ज्वार या तो बाजरा. नेक्स्ट है ग्रेनुलर, GRANULAR, ग्रेनुलर, लाइक ग्रेन्स या तो हिंदी में बोलेंगे दानेदार. कैसिव, अ लो हिल. कैसिव की मीनिंग ये है, यहाँ पर ये आएगा. कैसिव का मतलब होता है नट, काजू, यहाँ पे आएगा नट या तो काजू. और फुट हिल्स, फुट हिल्स का मीनिंग ये है, आपको लिखना है सीरियल वाइज. फुट हिल्स, अ लो हिल एट द बेस ऑफ माउंटेन, मतलब माउंटेन के बेस पे, आधार पे, नीचे जो लो हिल्स होता है उसको बोलते हैं फुट हिल्स. पोरस, पोरस मीन्स होता है परमिएबल, मतलब छिद्रयुक्त. बैरन, अनप्रोडक्टिव. एम्बैंकमेंट, माउंड टू सट इन वाटर. टेरेस, TERRACE, टेरेस मीन्स होता है अ रेज्ड लेवल स्पेस ऑफ द अर्थ. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर सोइल. सोइल इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स. जो सॉइल है बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण नेचुरल रिसोर्सेस हैं ये सॉइल. इट इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ जी सरफेस. ये जो सॉइल होती है अर्थ के सरफेस का टॉप मोस्ट लेयर, मतलब सबसे ऊपरी परत होती है. ऑन विच, जिसके ऊपर प्लांट्स एंड ट्रीज ग्रो, प्लांट और ट्री क्या करते हैं, ग्रो करते हैं. द सॉइल, जो मिट्टी वी सी, हम देखते हैं अराउंड अस, अपने चारों तरफ, वाज नॉट फॉर्म्ड इन अ डे, वो मिट्टी एक दिन में नहीं बनी है. इट टुक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म, मतलब इसको बनने में मिलियन ईयर्स लग जाते हैं, लाखों साल लग जाते हैं. बाई ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक, मतलब सॉइल कैसे बनती है, सॉइल कैसे बनती है, तो रॉक के टूटने से, चट्टानों के टूटने से. इन टू स्मॉल पीसेस, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में. दीज स्मॉल पीसेस आर फर्दर ब्रोकन डाउन इन टू स्मॉलर पार्टिकल, और ये जो स्मॉल पीस हैं आगे और चल करके ब्रोक डाउन, मतलब इनको तोड़ा जाता है नेचुरल फोर्सेस के द्वारा, इन टू स्मॉलर पार्टिकल्स, मतलब छोटे से छोटे कणों में. फाइनली बाई द एक्शन ऑफ क्लाइमेट, लास्ट में क्लाइमेट के एक्शन के द्वारा, एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, और लिविंग ऑर्गेनिज्म के एक्शन के द्वारा, द टॉप मोस्ट लेयर इज फॉर्म्ड. टॉप मोस्ट लेयर इज फॉर्म्ड, मतलब बनाई जाती है. दीज स्मॉल पार्टिकल्स, ये स्मॉल जो पार्टिकल्स होते हैं
आर करीर टू डिफरेंट प्लेसेस, मतलब इनको भिन्न भिन्न प्लेसों पे करीड कर दिया जाता है बाय रनिंग वाटर एंड विंड्स, मतलब बहते हुए पानी के द्वारा या तो हवा के द्वारा। टाइप ऑफ सोइल, मिट्टी के प्रकार। इन इंडिया डिफरेंट टाइप ऑफ सोइल आर फाउंड बेस्ड ऑन इट्स वेरिड फिजिकल फीचर एंड क्लाइमेट। कह रहे कि इंडिया, इन इंडिया भारत में डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल, भिन्न भिन्न प्रकार की मिट्टी आर फाउंड पाई जाती है, फाउंड बेस्ड ऑन इट्स वेरिड फिजिकल फीचर, जो अपने भिन्न भिन्न फिजिकल फीचर्स के आधार पे आधारित है उसका टाइप। इन इंडिया भारत में सॉइल कैन बी कैटेगराइज्ड, मतलब सॉइल को कैटेगराइज कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं इनटू सिक्स टाइप, छह प्रकार में। फर्स्ट है अल्यूवियल सॉइल। अल्यूवियल सॉइल इज द टॉप मोस्ट फर्टाइल सॉइल। अल्यूवियल सॉइल जो होता है, जो मिट्टी होती है, मोस्ट फर्टाइल मतलब सबसे अधिक उपजाऊ होती है, फाउंड इन इंडिया, जो कि इंडिया में पाई जाती है। इट इज मोस्टली फाउंड इन नॉर्दर्न प्लेन्स, ये मुख्य रूप से नॉर्दर्न प्लेन्स में, उत्तर के मैदान में पाया जाता है, ये मिट्टी पाई जाती है। एंड अलॉन्ग द कोस्टल प्लेन्स, और जो कोस्टल प्लेन्स हैं, समुद्र तट के मैदान हैं, वहाँ पर ये मिट्टी मिलती है। द हिमालयन रिवर ब्रिंग्स डाउन अ ह्यूज अमाउंट ऑफ फाइन सिल्ट। हिमालयन जो रिवर है, हिमालय से निकलने वाली जो नदियाँ हैं, वो अपने साथ क्या लाती हैं, ह्यूज अमाउंट ऑफ फाइन सिल्ट, मतलब महीन सिल्ट, बालू और मिट्टी के कण, विच गेट्स डिपॉजिटेड, जो क्या होता रहता है, इकट्ठा होता रहता है ऑन द रिवर बैंक, नदियों के किनारों पे। इट इज रिच विद ऑल मिनरल्स, ये जो मिट्टी होती है, ये सिल्ट होता है, फाइन सिल्ट, ये क्या होता है, इसमें बहुत से मिनरल्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स एंड रिटेन मॉइस्चर फॉर लॉन्ग टाइम, और इस मिट्टी में जो मॉइस्चर होता है, नमी होता है, लंबे समय तक बना रहता है, मिट्टी में नमी लंबे समय तक रहती है। अ वेराइटी ऑफ क्रॉप्स मतलब भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें, सच एज राइस, शुगर केन, वीट, शुगर केन के अलावा है वीट, पल्सेस, ऑयल सीड्स एंड वेजिटेबल्स ग्रो वेल इन दिस सॉइल, इस मिट्टी में अच्छी तरह से फसलें ग्रो करती हैं। ब्लैक सॉइल, दिस सॉइल इज फॉर्म्ड बाई रॉक्स दैट आर मेड ऑफ एंशिएंट लावा, मतलब ये जो मिट्टी है, एंशिएंट लावा मतलब प्राचीन समय का जो लावा है, जो ज्वालामुखी से निकलता है, उससे बना होता है ब्लैक सॉइल। इट इज डार्क ब्राउन इन कलर, इसका कलर डार्क ब्राउन होता है। ब्लैक सॉइल इज फाउंड इन लार्ज पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, ब्लैक सॉइल जो है महाराष्ट्र के बहुत बड़े हिस्से में पाया जाता है, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड तमिलनाडु। ब्लैक सॉइल होल्ड्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, ब्लैक सॉइल में बहुत ज़्यादा नमी होती है, ये मतलब बहुत ज़्यादा नमी को क्या करती है, रोकती है अपने अंदर, बिकॉज ऑफ विच, जिसके कारण, इट इज़ सुटेबल, ये क्या होता है, सुटेबल होता है, अच्छा होता है फॉर कल्टीवेशन, खेती के लिए, कल्टीवेशन का मतलब एग्रीकल्चर होता है, खेती। बिसाइड्स कॉटन अदर क्रॉप्स सच एज मिलेट्स, शुगर केन, वीट एंड ऑयल सीड्स कैन आल्सो बी ग्रोन इन दिस सॉइल, मतलब इस मिट्टी में ये भी फसलें उगाई जा सकती हैं, जो दिया है शुगर केन, वीट एक्सेट्रा। रेड सॉइल, लाल मिट्टी। रेड सॉइल इज मोस्टली फाउंड इन
साउदर्न स्टेट ऑफ इंडिया। जो रेड सोइल है ये मुख्य रूप से इंडिया के साउदर्न स्टेट मतलब दक्षिणी भारत के जो राज्य हैं उसमें पाया जाता है मिट्टी। सच एज तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। इट इज आल्सो फाउंड इन पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश के भी कुछ पार्ट में पाया जाता है मिट्टी, उड़ीसा में भी, झारखंड एंड सम ऑफ द नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट, और कुछ नॉर्दर्न ईस्टर्न जो स्टेट हैं राज्य हैं वहाँ पर भी ये मिट्टी पाई जाती है। दिस सोइल कंटेंस कंपाउंड्स ऑफ आयरन। इस सोइल में आयरन के कंपाउंड्स होते हैं दैट गिव इट रेड कलर, जो कि इस मिट्टी को रेड कलर देते हैं, मतलब मिट्टी रेड कलर की दिखती है आयरन के कंपाउंड्स के कारण। इट इज नॉट वेरी फर्टाइल, ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती है। क्रॉप्स लाइक मिलेट, पल्सेस, टोबैको एंड ग्राउंडनट कैन बी ग्रोन, उगाई जा सकती हैं, ओनली इफ सफिशियंट क्वांटिटी ऑफ फर्टिलाइजर्स इज एडेड, यदि सफिशियंट मात्रा में, प्रचुर मात्रा में फर्टिलाइजर्स इसमें मिलाया जाए मिट्टी में, तो इसमें मिलेट, पल्सेस, टोबैको, ग्राउंडनट्स ये सब ग्रो किया जा सकता है, उगाया जा सकता है। लेटराइट सोइल। लेटराइट सोइल इज फाउंड इन महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, बिहार, असम एंड मध्य प्रदेश। इट इज फाउंड इन एरियाज वेयर देयर इज हैवी रेन, यह उस एरिया में पाई जाती है मिट्टी जहाँ पर कि भारी बरसात होती है, हैवी रेन होती है। इट इज पुअर इन न्यूट्रिएंट्स, मतलब इस मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो उत्पादन को बढ़ाने वाले, मतलब फसलों को एक तरह से जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए उसकी कमी होती है इस मिट्टी में। एंड ग्रेन्यूलर इन नेचर, और ये मिट्टी दानेदार होती है, बिल्कुल महीन नहीं होती है। दिस सोइल इज यूज्ड फॉर ग्रोइंग काफ़ी, इस सोइल का यूज काफ़ी को ग्रो करने में होता है, कोकोनट, टी एंड रबर। इट इज आल्सो गुड फॉर ग्रोइंग कैसियो नट, मतलब ये मिट्टी कैसियो नट को उगाने के लिए भी क्या है, अच्छी है। ब्रिक्स मेड ऑफ ड्राइड और बेक्ड लेटराइट सॉइल आर वाइडली यूज्ड एज बिल्डिंग मटेरियल, मीन्स इस मिट्टी से बने हुए जो ईंट होते हैं उसका यूज बिल्डिंग मटेरियल के रूप में किया जाता है। माउंटेन सॉइल। दिस सॉइल वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ये जो मिट्टी है डिफरेंट होती है, प्लेस टू प्लेस मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर की मिट्टी क्या होती है, अलग प्रकार की होती है जो माउंटेन सॉइल होती है वो। इट इज फाउंड इन द फुट हिल्स ऑफ ईस्टर्न रेंजेज, ये मिट्टी जो फुट हिल्स हैं ईस्टर्न रेंज के वहाँ पे पाई जाती है, इसे अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एज वेल एज जम्मू एंड कश्मीर। माउंटेन सॉइल इज रिच इन नाइट्रोजन एंड ह्यूमस, माउंटेन सॉइल में नाइट्रोजन और ह्यूमस होते हैं, मतलब इसमें ये चीज़ पाए जाते हैं। ह्यूमस एक नेचुरल फर्टिलाइजर्स होता है जो कि प्लांट और छोटे छोटे क्रिएचर्स के सड़ने से बनती है। ह्यूमस इज अ नेचुरल फर्टिलाइजर्स, वही दिया है, फॉर्म्ड फ्रॉम डेड लीव्स एंड प्लांट्स विच हेल्प्स प्लांट ग्रो बेटर, जो कि पौधों को अच्छी वृद्धि में हेल्प करते हैं, मतलब पौधों के अच्छे विकास के लिए हेल्प करते हैं। क्रॉप्स सच एज टी, स्पाइसेस एंड फ्रूट्स आर ग्रोन इन इट, मतलब इसमें मसाले, फल
ये सब क्या कहते हैं, उगाए जाते हैं। टी भी उगाया जाता है इसमें, चाय। डेजर्ट सॉइल, डेजर्ट सॉइल इज फाउंड इन द डेजर्ट रीजन ऑफ राजस्थान। जो डेजर्ट सॉइल है ये राजस्थान के डेजर्ट रीजन मतलब रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है, ये मिट्टी पाई जाती है। गुजरात एंड द साउदर्न पार्ट ऑफ हरियाणा, गुजरात और गुजरात में ही पाई जाती है, एंड साउदर्न पार्ट ऑफ हरियाणा और हरियाणा के साउदर्न पार्ट में दक्षिणी हिस्से में। दिस सॉइल इज सैंडी, ये जो सॉइल होती है मिट्टी होती है वो सैंडी होती है, बालीयुक्त होती है, एंड पोरस, पोरस का मतलब छिद्रयुक्त, मतलब ये जो मिट्टी होती है उसमें ज़्यादा छिद्र होते हैं। बट विद द हेल्प ऑफ इरीगेशन, लेकिन सिंचाई की सुविधा की सहायता से क्रॉप सच एज बार्ली, मेज, डेट्स, पल्सेस एंड काटन कैन बी ग्रोन, मतलब अच्छी सिंचाई की अगर सुविधा होती है तो ये फसलें जैसे बार्ली हुआ, मेज हुआ, डेट्स हुआ, पल्सेस, काटन कैन बी ग्रोन, ये फसलें उगाई जा सकती हैं अगर इरिगेशन की सुविधा अच्छी हो तो। टिक द करेक्ट ऑप्शन, फर्स्ट है सॉइल इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ, ये होगा आपका यस, टिक कर देंगे यस पे। डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड इन इज, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल आर फाउंड इन इंडिया, ये भी टिक कर देंगे, पाई जाती है। अल्यूवियल सॉइल इज द मोस्ट फर्टाइल सॉइल, ये भी टिक कर देंगे। माउंटेन सॉइल इज रिच इन नाइट्रोजन एंड ह्यूमस, ये भी करेक्ट है, यस कर देंगे। फिफ्थ है डेजर्ट सॉइल इज सैंडी, डेजर्ट सॉइल जो है सैंडी होती है, तो ये भी आपका करेक्ट है, यस नो करना है आपको तो सब में यस आएगा। सॉइल इरोजन, अब आपको पढ़ना है सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन को हिंदी में बोलते हैं मृदा अपरदन, मतलब मिट्टी का बह जाना या तो मिट्टी का कटाव। द रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ द सॉइल, जो सॉइल की टॉप लेयर है उसका रिमूवल, रिमूवल का मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे चला जाना, आइदर नेचुरली आर एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, या तो नेचुरली मतलब हवा और पानी के द्वारा या तो ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा, जो मिट्टी क्या होती है रिमूव कर जाती है, इज कॉल्ड सॉइल इरोजन, उसको बोलते हैं सॉइल इरोजन। लॉस ऑफ द टॉप मोस्ट लेयर, जो टॉप मोस्ट लेयर है मिट्टी का, इसका जो लॉस होता है, ह्रास होता है, एडवर्सली, एडवर्सली मतलब बहुत बुरे ढंग से, अफेक्ट्स मतलब प्रभावित करता है द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, मिट्टी की उत्पादकता को बहुत ही ये क्या करता है, प्रभावित करता है। काज ऑफ सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन के क्या कारण है, कौन कौन से कारण हैं। फर्स्ट है रनिंग वाटर्स, रनिंग वाटर कैरीज अवे द अपर लेयर ऑफ द सॉइल एंड लीव्स द लैंड बैरन, मतलब जो रनिंग वाटर है बहता पानी है तो मिट्टी के ऊपरी परत को बहा ले जाता है और वहाँ की जो मिट्टी बचती है वो क्या होती है, बंजर हो जाती है। स्ट्रांग विंड्स ब्लो अवे द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल, कभी कभी खूब तेज हवा बहती है तो तेज हवा भी टॉप लेयर को, सॉइल की जो टॉप लेयर है ऊपरी परत है उसको उड़ा ले जाती है। प्रॉबेबली संभवतः डेजर्ट्स वेयर फार्म्ड इन दिस वे, प्रॉबेबली में संभवतः ये अनुमान लगाया गया है कि डेजर्ट का निर्माण इसी तरह हुआ है, डेजर्ट का निर्माण विंड के द्वारा हुआ है, क्योंकि वहाँ की जो टॉप मोस्ट लेयर है वो हवा के द्वारा उड़ा करके कहीं और लेकर चला जाया गया है, इसलिए वहाँ पे कहीं पर भी डेजर्ट बना हुआ है। ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, जैसे मानवीय कार्य जैसे पेड़ों का काटा जाना, एंड ओवर ग्रेजिंग मतलब बहुत अधिक पशुओं का
चराया जाना, ओवर ग्रेजिंग बाई एनिमल्स आल्सो लीड टू सोइल इरोजन, मतलब ये भी सोइल इरोजन को बढ़ावा देता है, जैसे पेड़ों का काटा जाना और अधिक से अधिक पशुओं को चराया जाना। इफेक्ट ऑफ सोइल इरोजन, सोइल इरोजन रिड्यूसेस द फर्टिलिटी ऑफ द सोइल, जो सोइल इरोजन है वो मिट्टी की उत्पादकता को रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है। फार्मर्स आर नॉट एबल टू ग्रो क्रॉप्स, और इससे जो फार्मर्स होते हैं, किसान होते हैं, फसल को उगा नहीं पाते हैं। एंड बिकम पुअरर डे बाई डे, और डे बाई डे वो क्या होते जाते हैं, गरीब होते जाते हैं। वेज टू प्रिवेंट सोइल इरोजन, सोइल इरोजन को प्रिवेंट करने के तरीके, रोकने के तरीके। फर्स्ट वी शुड प्लांट मोर ट्री, हमको अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए। एंड इंश्योर, और ये भी क्या करना चाहिए, निश्चित करना चाहिए, दैट ट्री मतलब वो पेड़ जो आप लगाए हैं आर नॉट कट डाउन केयरलेसली, मतलब उसको काटा भी नहीं जाना चाहिए, मतलब बिना काम के, बहुत ज़रूरी हो तभी उस पेड़ को या तो किसी पेड़ को काटा जाना चाहिए। एम्बैंकमेंट शुड बी बिल्ट अराउंड द फील्ड, मतलब खेत के चारों तरफ अच्छी तरह से क्या बनाना चाहिए, मेड़ बनाना चाहिए। टेरेस फार्मिंग इन हिली एरियाज, टेरेस फार्मिंग का मतलब होता है सीढ़ीनुमा खेती, जो कि हिली एरियाज पहाड़ी क्षेत्र में होता है, तो इस प्रकार की खेती क्या करती है, प्रिवेंट मतलब रोकती है सोइल मतलब मिट्टी को फ्रॉम बीइंग वॉश्ड अवे, मतलब बहने से, बाय द रनिंग वाटर, बहते हुए पानी के द्वारा मिट्टी नहीं बह पाती है, किसके द्वारा, टेरेस फार्मिंग मतलब सीढ़ीनुमा खेती करने से पहाड़ी क्षेत्रों में मिट्टी जो है बह नहीं पाती, क्योंकि जो पानी होता है बहुत स्पीड के साथ बहता है, अगर वहाँ पे टेरेस फार्मिंग न की जाए, सीढ़ीनुमा खेती न की जाए, तो मिट्टी के बहने का ज़्यादा चांस रहता है। टेक द करेक्ट आंसर, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सोइल आर फाउंड इन इंडिया, तो 6 टाइप का हो जाएगा। द मेन क्रॉप्स ग्रोन इन ब्लैक सोइल इज, तो आपका होगा कॉटन, कॉटन। थर्ड है आपका द सोइल रिच इन नाइट्रोजन एंड ह्यूमस इज, आपका हो जाएगा माउंटेन सोइल। इन हिली एरियाज सोइल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाई टेरेस फार्मिंग, द हिमालयन रिवर ब्रिंग डाउन विद देम अ लार्ज अमाउंट या तो क्वांटिटी ऑफ सिल्ट, यहाँ पर सिल्ट फिल कर देंगे या तो टिक कर देंगे। फिल इन द ब्लैंक्स, रेड सॉइल गेट इट्स कलर फ्रॉम कंपाउंड ऑफ आयरन, द मोस्ट फर्टाइल सॉइल यूज्ड फॉर कल्टीवेशन इज अल्यूवियल सॉइल। थर्ड है ब्रिक्स मेड फ्रॉम लेटराइट सॉइल आर यूज्ड एज बिल्डिंग मटेरियल। फोर्थ है द नेचुरल फर्टिलाइजर्स फॉर्म्ड फ्रॉम डेड लीव्स एंड प्लांट्स आर नोन एज ह्यूमस, फिल करेंगे ह्यूमस। अगला है टॉप लेयर ऑफ सॉइल इज कॉल्ड सॉइल इरोजन, इसको बोलेंगे सॉइल इरोजन। मैच द कॉलम्स, अल्यूवियल सॉइल इज फाउंड इन नॉर्दर्न प्लेन, ब्लैक सॉइल होल्ड्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, रेड सॉइल कंटेंस ऑक्साइड ऑफ आयरन, इसमें आयरन के ऑक्साइड्स होते हैं। लेटराइट सॉइल इज फाउंड इन एरिया ऑफ हैवी रेनफॉल, डेजर्ट सॉइल इज सैंडी एंड लेस फर्टाइल।